पाठ नवमः प्रथमः पुरुषः। एक से ज्यादा शब्द एक साथ क्यों लिखे हैं तुमने? शब्दों के मेल से नए वाक्य बनाए हैं हमने। श्रोता सुनने वाले तथा वक्ता कहने वाले को छोड़कर अन्य सभी कर्ता प्रथम पुरुष के होते हैं। इन्हें अन्य पुरुष भी कहते हैं। ये तीनों लिंगों में एवं तीनों वचनों में होते हैं। वचनानुसार प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही धातु या क्रिया का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष में कर्ता एवं धातु के रूप निम्न प्रकार से चलते हैं। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्ता, सह, सा, तत्। तव, ते, ते। ते, ता, ताने। अस धातु, अस्ति, स्तः, संति। अन्य धातुएं, धातु जमा अति, धातु जमा अतः, धातु जमा अंत। इस पाठ में हम प्रथम पुरुष के कर्ता एवं प्रथम पुरुष की क्रियाओं के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण, सह बालकः अस्ति, वह एक लड़का है। तौ बालकौ स्तः, वे दो लड़के हैं। ते बालकाः सन्ति, वे सब लड़के हैं। सः गच्छति, वह एक जाता है। तौ गच्छतः, वे दो जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। लिंग के अनुसार कर्ता का चयन किया जाता है, परंतु लिंग से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रथम पुरुष पुल्लिंग। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। सह कह अस्ति, वह एक कौन है? एषः बालकः अस्ति, यह एक लड़का है। अयम् क्रीडते, यह एक खेलता है। तौ कौ स्तः, वे दो कौन हैं? इतौ बालकौ स्तः, ये दो लड़के हैं। इमौ क्रीडतः, ये दो खेलते हैं। ते के सन्ति, वे सब कौन हैं? इते बालकाः सन्ति, ये सब लड़के हैं। इमे क्रीडन्ते, ये सब खेलते हैं। एषः कः अस्ति, यह एक कौन है? एषः अश्वः अस्ति, यह एक घोड़ा है। अश्वः धावते, एक घोड़ा दौड़ता है। इतौ कौ स्तः, ये दो कौन हैं? इतौ अश्वौ स्तः, ये दो घोड़े हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। इते के सन्ति, ये सब कौन हैं? इते अश्वाः सन्ति, ये सब घोड़े हैं। अश्वाः धावन्ते, अनेक घोड़े दौड़ते हैं। अन्य उदाहरण, छात्रः लिखते, एक छात्र लिखता है। छात्रौ लिखतः, दो छात्र लिखते हैं। छात्राः लिखन्ते, अनेक छात्र लिखते हैं। एषः मृगः धावते, यह एक हिरण दौड़ता है। इतौ मृगौ धावतः, ये दो हिरण दौड़ते हैं। इते मृगाः धावन्ते, ये सब
हिरण दौड़ते हैं। सिंह गर्जते, एक शेर गरजता है। मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। इते भक्ताः भजन्ते, ये सब भक्त भजन करते हैं। शुकः खादते, एक तोता खाता है। कृषकौ गच्छतः, दो किसान जाते हैं। अमनः वरुणः अरुणः च गच्छन्ते, अमन वरुण और अरुण जाते हैं। सह बालः नमते, वह लड़का नमस्कार करता है। इतौ गजौ चलतः, ये दो हाथी चलते हैं। छात्राः वदन्ते, अनेक छात्र बोलते हैं। अध्यापकः लिखते, एक अध्यापक लिखता है। मोहनः सोहनः च हसतः, मोहन और सोहन हंसते हैं। कृषकाः गच्छन्ति, अनेक किसान जाते हैं। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सा का अस्ति, वह एक कौन है। सा बालिका अस्ति, वह एक लड़की है। बालिका लिखति, एक लड़की लिखती है। ते के स्तः, वे दो कौन हैं। ते बालिके स्तः, वे दो लड़कियां हैं। बालिके लिखतः, दो लड़कियां लिखती हैं। ताः का संते, वे सब कौन हैं। ताः बालिकाः संते, वे सब लड़कियां हैं। बालिकाः लिखन्ते, अनेक लड़कियां लिखती हैं। एषा का अस्ति, यह एक कौन है। एषा कोकिला अस्ति, यह एक कोयल है। कोकिला गायते, एक कोयल गाती है। इते के स्तः, ये दो कौन हैं। इते कोकिले स्तः, ये दो कोयले हैं। कोकिले गायतः, दो कोयले गाती हैं। इताः का सन्ति, वे सब कौन हैं। इताः कोकिलाः सन्ति, ये सब कोयले हैं। कोकिलाः गायन्ते, अनेक कोयले गाती हैं। अन्य उदाहरण, सा बालिका पठते, वह एक लड़की पढ़ती है। एषा महिला गच्छते, यह एक महिला जाती है। सा नायिका नृत्यते, वह एक नायिका नाचती है। सा चटका कूजते, वह एक चिड़िया कूजती है। सा गायिका गायते, यह एक गायिका गाती है। सा अध्यापिका हसते, वह एक अध्यापिका हंसती है। ते छात्रे पठतः, वे दो छात्राएं पढ़ती हैं। इते कन्ये लिखतः, वे दो कन्याएं लिखती हैं। रमा लता च नृत्यतः, रमा और लता नाचती हैं। ते नायके वदतः, वे दो नायिकाएं बोलती हैं। ते गायके गायतः, वे दो गायिकाएं गाती हैं। इते चटके कूजतः, ये दो चिड़ियां कूजती हैं। ताह ललना पचन्ते, वे सब औरतें पकाती हैं। इताह महिलाः वदन्ते, ये सब महिलाएं बोलती हैं। ताह नायिकाः गच्छन्ते, वे सब नायिकाएं जाती हैं।
ताह अध्यापिकाः हसन्ति। वे सब अध्यापिकाएं हंसती हैं। इताः मूषिकाः धावन्ति। ये सब चुहियां दौड़ती हैं। लता रमा सपना च पठन्ति। लता रमा और सपना पढ़ती हैं।